नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ रजा सिंह। वक्त हो चुका है टॉप 10 का, तो चलिए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की 10 बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र चुनाव से पहले शरद पवार बोले, मैं कोई इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता। शेयर बाजार में आई तेजी, सेंसेक्स 694 अंक चढ़कर हुआ बंद। पीएम मोदी बोले, छठी मैया की कृपा से सबका अनुष्ठान सफलतापूर्वक संपन्न हो। एमपी में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को अब मिलेगा 35% आरक्षण, कैबिनेट मीटिंग में प्रस्ताव हुआ पास। आईपीएस अधिकारी संजय वर्मा बने महाराष्ट्र के नए डीजीपी। सलमान खान को धमकी देने वाला कर्नाटक से गिरफ्तार। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बोले, झारखंड में पीएम मोदी का भाषण सिर्फ जुमला। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज रायबरेली में दिशा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। जम्मू कश्मीर में हंदवाड़ा में आतंकियों का एक मददगार गिरफ्तार। दिल्ली के कई इलाकों में बढ़ा प्रदूषण का स्तर, 400 के पार पहुंचा AQI। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।